हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आगे मैं कार नेवड़े के साथ वापस। तो आज के इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा था माइनक्राफ्ट, और ये माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 3 होने वाला था। हाँ यार, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन आपको बता दूँ लेट होने की वजह कि भाई मैंने अपने फ्रेंड को जी मेरा फ़ोन दे दिया था कि भाई तू माइनक्राफ्ट खेल, और वो बोला मैं लॉगिन करके दूंगा तुम्हें। तो उसने एक दिन खेली, एक दिन उसने सिर्फ डायमंड माइन किए, और उसके बाद उसने पता नहीं कहाँ देखा कहाँ नहीं, तो उसने लॉगिन करके मेरे को दे दी। लॉगिन करना इसलिए ज़रूरी था कि आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैं क्रिएटिव मोड यूज़ करता हूँ। अगर आप एक बार भी क्रिएटिव मोड यूज़ कर लेते हो तो आपके अचीवमेंट वो पूरी नहीं होती। मैं आपको अचीवमेंट सामने दिखा चुका हूँ, और भाई ऐसे ऐसे अचीवमेंट और कंप्लीट होती रहेंगी, तो आपको प्रूफ मिलता रहेगा कि मैं कभी क्रिएटिव मोड यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा प्रूफ रहेगा। क्रिएटिव मोड जिनको नहीं पता, भाई इनमें इनबिल्ड हैक होता है माइनक्राफ्ट में, तो बस उसको क्रिएटिव मोड बोल दें। आप उससे कुछ भी बना सकते हो फ्री में, डायमंड का कोई भी आर्मर भी फ्री में ले सकते हो, तो वही चीज़ है क्रिएटिव मोड। वो हम नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है, इसलिए मैंने लॉगिन करने में काफ़ी दिन बिता दिए। आई एम सो सॉरी गाइस। चलो, तो आज के इस एपिसोड में नंबर वन पे मैं क्या करने वाला था, सबसे पहले इस जो सामने वाला एरिया ना हमारा, पहले तो जाए ये जो मतलब हमारे पास आलू वगैरह हैं, ये चीज़ मैं उगाने वाला हूँ हमारे फार्म में, मतलब जहाँ पे कम उग रहे हैं, मतलब 7-8 ही उग पा रहे हैं, नहीं 7-8 नहीं, 14 ही उग पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं उगा पा रहा मैं, ठीक है नॉर्मली। और ये पॉइजनस पोटैटो, इसमें जहर होता है मेरे हिसाब से, इसको खा के देखेंगे मरेंगे या नहीं हम, पता नहीं, इसको पका के देखते हैं। अगर ये पका कर भाई शायद सेट हो जाए, नहीं हो रहा, ओके फाइनली ये सेट नहीं होगा। तो हाँ, आज के इसमें दो गोल रहेंगे एपिसोड में। नंबर वन, हम फार्म बनाने वाले हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ उगाएंगे। नंबर टू, उसके बाद हम जाएंगे ब्लेजर को ढूंढने। भाई जो मेरा फ्रेंड खेल रहा था मेरे फ़ोन में, उसने थोड़ा सा दूर जाके देखा, उसने बिना क्रिएटिव मोड यूज़ किए देखा था, और उसमें भाई टोटल मतलब 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, उसमें एक बार भी उसने क्रिएटिव मोड यूज़ नहीं किया। ठीक है, वो एपिसोड मैंने भाई वैसे ही डिलीट कर दिया, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा अच्छा वो नहीं कर रखा था, मतलब सीधे ही भागते जा रहा था, कभी खोद रहा था, कुछ कर रहा था, इतना टाइम वेस्ट था उसमें। एडिटिंग करने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन जो जिस हिसाब से मैं खेल रहा हूँ उस हिसाब से मैं अपना एडिट कर लेता हूँ। और अब देखो, इस जो मैं एरिया आपको दिखा कर लाया हूँ, वो मैं आपको आगे बढ़ा के दूंगा, और जहाँ से हम मिट्टी तोड़ के वहाँ सामने लगाएंगे, मतलब दो साइड वो क्लियर हो जाएंगे। ऊपर एक अचीवमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आयरन मैन करके कुछ है, और टेकिंग इन्वेंट्री करके एक और अचीवमेंट कंप्लीट हो चुकी है। चलो अभी शुरू कर लेते हैं यार खोदना जल्दी से। ओके फाइनली गाइस, अभी मैं लग चुका हूँ जहाँ पे खोदने, और ये हमारी फर्स्ट शवल है, और देखते हैं भाई इसको थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने भी, हम कितना ज़्यादा इसको मतलब तोड़ सकते हैं। अब मैं आपको शवल गिनवाऊंगा मैं कितनी तोड़ चुका था इसको, मतलब डिग करते करते, या फिर इसको खोद खोद के डर्ट को इकट्ठा करते करते, शवल देखना मेरी कितनी टूटेंगी। सबसे पहले हमने आयरन की उठा ली, और इसको तोड़ के इतनी जहाँ डर्ट इकट्ठी करके सामने एरिया अपना आगे को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, आगे को बढ़ाते जाएंगे एकदम प्लेन कर देंगे। तो प्लेन पर आपको जगह बनानी, मतलब या कुछ बनाने के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर उबड़ खाबड़ हो रखा ना, तो वो उबड़ खाबड़ पर कोई चीज़ नहीं आप बना सकते, वो दिक्कत आती है। अब भाई पहली हमारी आयरन की शवल से मैं लग चुका हूँ, देखते हैं। मैंने थोड़ा सा ये फास्ट कर रखा है, इतनी फास्ट भाई से ये चलती नहीं आयरन की शवल, लेकिन मैंने जानबूझ के फास्ट किया कि आपका टाइम बचे। और जहाँ पे अभी मेरे को भाई टोटल 3 मिनट हुए ना, मेरे को जहाँ पे टोटल भाई 8-9 मिनट हो चुके थे जहाँ पे खोते खोते, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये बस मैंने फास्ट कर रखा है इसलिए आपको इतना कम लग रहा है। अब मेरे भाई 8-9 मिनट तो जहाँ गुजर चुके थे, और मेरे पास थोड़ी सी डर्ट इकट्ठी हो चुकी थी। अब डर्ट जहाँ पे लगा के इसको एरिए को हम आगे बढ़ाएंगे काफ़ी ज़्यादा, और जहाँ पे ही फार्म बनाएंगे, मतलब हमारा खेत बनाएंगे जहाँ पे हम कुछ ना कुछ उगाएंगे। जहाँ पे 2 लेयर करके इंक्रीज़ करेंगे, नंबर वन पे पहले तो मैं नीचे वाली इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भाई हमको पानी वगैरह भी भरना होता है ना, तो वो हमको नीचे वाली तोड़, नहीं ऊपर वाली एरिया तोड़ के उसके बाद नीचे वाले पे पानी रुक सकता है, इसलिए हमको 2 लेयर इंक्रीज़ करनी होगी। नहीं अगर ऊपर वाले पे कर देंगे ना, तो हम उसमें अगर पानी डालेंगे तो वो नीचे को बह जाएगा, उसमें पानी नहीं रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा सीन, इसलिए हमको 2 लेयर करके इंक्रीज़ करके लेके जानी है आगे। बाकी मैं आपको आगे समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा मैं करना तो करना क्या चाहता हूँ। चलो जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं कि भाई ये होगा तो होगा कैसे। चलो यहाँ पे जो डर्ट इकट्ठी करके लाए पहले, तो जहाँ पे नीचे वाली साइड लगा देते हैं और देख लेते हैं कितनी की लगेगी, और उसके बाद फिर एक साथ सारी तोड़ लाएंगे। तोड़ने के बाद फिर एकदम एक बार में ही लगा देंगे, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं यार। तो चलो जल्दी से इसको भाई लगाते हैं। अभी कितनी बची है मेरे पास, 64 और बची है, और 34 अलग से बची है। चलो जल्दी जल्दी लगाते हैं। ओके, जहाँ पे मैंने अभी वीडियो भाई थोड़ी सी फास्ट कर दिया है, देखते हैं भाई कितनी देर में लग जाता है ये नीचे वाला पार्टी। भाई बहुत ज़्यादा मिट्टी खा चुका है ऑलरेडी, डर्ट मतलब हम मिट्टी बोल गए, सॉरी हिंदी में आ चुका था।
और भाई नीचे वाला पार्टी काफ़ी ज़्यादा डर्ट खा चुका ऑलरेडी, 64 का एक्सट्रैक्ट खा गया और ऊपर से भाई 64 का अलग से और था एक। भाई अभी मैं आपको काउंट कराता हूँ, सबसे पहले तो हमारी आयरन की शवल टूट गई, मैंने एक और शवल बनाई नए वाली और उस पे लग गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा बनाई थी और जे भी टूट गई। उसके बाद भाई मैंने एक और शवल नई वाली लगा ली और थोड़ी देर में इसकी भी हेल्थ कम हो गई और जे भी टूट गई, ठीक है, इससे मैंने इकट्ठा किया। अब भाई मैं इसके बाद इसको तोड़ने के बाद एक और लगाने वाला था और अब भाई वो भी टूटने वाली है। फिलहाल के लिए तो भाई जो इकट्ठे हुए पहले वो लगाने जा रहा था मैं, तो चलो गाइस अभी जो इकट्ठा हुआ था मैं वो लगाने आ चुका था ऑलरेडी, ठीक है। और इसको ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना ही रखेंगे, ठीक है। अब अरे मैं ठीक है क्यों बोल रहा हूँ यार इतना, सॉरी गाइस अगर इससे इरिटेट कर रहे हो आप थोड़ा। चलो इसको भाई कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगाने लग गया, मतलब एक लेयर हमको और खींचनी थी और उसके बाद भाई फिर से और इकट्ठी करने चलेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इससे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलो चलते हैं अभी जल्दी से। और हाँ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना मैंने कितनी शवल तोड़ दी ये मिट्टी तोड़ते, ये मेरे को दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप लोग बोलोगे क्रिएटिव मोड यूज़ नहीं किया, जहाँ फिर कुछ भी लगा सकते हो। अभी तो भाई ऊपर मिशन कंप्लीट होते हुए आपको दिखते जाएंगे। और भाई थोड़ी देर में रात हो चुकी थी, मैं भाग के भाई घर की साइड आ गया, क्योंकि भाई आके पास में जब क्रीपर फट जाता है तो भाई जिंदा रहना इम्पॉसिबल है यार। ऊपर से भाई कुछ भूख लग रखी थी, तेज नहीं भाग रहा था करेक्टर, तो मैंने जल्दी से ब्रेड खाए उसके बाद चढ़ गया ऊपर। ऊपर चढ़ने के बाद हमने सोया, हमने नहीं मैं सोया, और सोने के बाद भाई सीधा चला दोबारा अपना काम करने। अभी भाई थोड़ी सी और शवल तोड़ूंगा, मतलब शवल नहीं तोड़ूंगा उससे मिट्टी खोदूंगा, और मिट्टी खोदते खोदते हमारी शवल टूट जाएंगी, ठीक है। ओके मैंने एक और नई लगाई, जो रात वाली थी वो तो टूट चुकी थी, और जे भाई जो नई लगाई जे भी टूट गई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और लगाई गई थोड़ी देर में, इसकी भी हेल्थ गई यार। और भाई इसको तोड़ने के बाद भाई बस अब मेरे पास बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3-4 शवल तोड़ चुका था और 3-4 शवल से भाई काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो चुकी थी। 64 करके भाई 5-6 भर चुके थे मेरे पास स्टैक। चलो अभी बनाना है भाई हमको फार्म, फार्म के लिए मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, आसपास फेंस लगा दी, उसके बाद मैंने 3 का बीच में गैप छोड़ दिया और उसमें पानी फिल कर दिया एक साइड पे और 3 में भी, अरे यार ऐसे नहीं था सॉरी, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। नॉर्मली देखो पहले तो ऐसे आपको एक लाइन खींचनी है, उसमें छोड़ देना है पानी, जो मैं बोला था कि भाई आपको अगर पानी छोड़ना होगा तो वो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक खेती करने के लिए औजार होता है जिसका नाम होता है हो, HOE हो, बाकी हो ही होता है या हो होता है क्या होता है पता नहीं मेरे को। उसके बाद इससे भाई आपको 3 बार टच करना है धरती पे, तो भाई आपको कुछ ऐसी मिट्टी मिलेगी जैसे मतलब ऊपर का जो लेयर ख़त्म कर देती है। उसके बाद भाई ऐसे 3 करके उसके बाद चौथे के साइड पे आपको फिर से खोद देना है, क्योंकि हमको इस साइड भी पानी देना है। देखो ऐसे मैं जैसे राइट साइड में किया, सेम टू सेम आपको इस साइड भी करना है, ठीक है। चलो अब मैंने ऐसे सेम टू सेम इस साइड किया, उसके बाद भाई बीच का जो पार्ट बच रहा था वो सारा का सारा मैंने खोद डाला हो से, और उसके बाद हम इसके बीच में उगाएंगे भाई जो जो हमारे पास अवेलेबल होगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो भाई सीड है जिससे भाई वेल क्या होता है वीट होता है, वीट जिससे ब्रेड बनते हैं, मतलब घास क्या होता है वो पता नहीं यार, जो भी होता है फिर उससे भाई हमारे ब्रेड बनेंगे, हमारे पास वो अवेलेबल है। ऊपर से हमारे पास पोटैटो मतलब आलू अवेलेबल है, ठीक है दो। अब भाई और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ मिलेगी तो भाई उसको भी उगाएंगे, फिलहाल के लिए तो हम 2 फार्म बनाने वाले थे, तीसरा भाई बाद में बना लेंगे, ठीक है नॉर्मली। और भाई जो फेंस था ना, मैंने फेंस लगाया था वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, तो मैंने वो हटा दिया फिर से, ठीक है क्यों बोल रहा हूँ मैं इतना यार, चलो कोई नहीं सॉरी माफ कर दे रहा फिर से यार। और भाई इसके बाद मैंने आलू भी उगा दिए और इस साइड भी लगा दिया एक मैंने, वो गलती से लगा दिया था सॉरी गाइस, ठीक है फिर से ठीक है। और चलो इसके बाद भाई आलू कंप्लीट हो चुके थे, और मैंने ये थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए भाई इसमें ये शवल से थोड़ा सा ऐसे टच कर दिया, तो जहाँ पे 4-4 का गैप दे दिया। अब गाइस इसको डिज़ाइन को पाना कैसे आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो मेरे जैसे गरीब बंदे हैं मतलब नए आए माइनक्राफ्ट में उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे को नहीं आता था तो भाई आपको भी नहीं आएगा ना, नॉर्मली आप कौन सा सीख के आए हो यार कहीं से। चलो अब मैं आपको दिखा ही देता हूँ भी आपको करना तो करना कैसे, आपको सबसे पहले शवल लेनी है, और मेरी शवल कहाँ है, ओके फाइनली एक और शवल टूटने वाली है गाइस, ये मैंने थोड़ी सी संभाल के रखी है, इससे भाई ये डिज़ाइन पा रहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी फेंस भी निकाल लेते हैं, फेंस हमको लगानी है, देखो ऐसे टच करना है बस, बोल्ड नहीं करना, टच करके छोड़ देना है, मतलब थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, टच करते हैं बस यार, टच लगा लो यार जो भी होता है, बस पैसे टच करना है तो भाई ये डिज़ाइन बनता जाएगा। अब भाई मैंने इस साइड 5 का किया था और 5 में भी आपको फेंस लगाना है, ठीक है। देखो फिर से ऐसे करूँ, अरे यार शवल टूट गई गाइस। चलो एक और शवल बनाते हैं, मेरे पास ही है भाई क्राफ्टिंग टेबल, तो मैंने जल्दी से एक पत्थर की और शवल बना ली, हमारे पास पत्थर बहुत पड़ा था
और हमारी एक अचीवमेंट और कंप्लीट हो चुकी है गाइस, टाइम टू फार्म करके, मतलब आपको उगाना था कुछ शायद से इसमें मेरे हिसाब से, इससे भाई आपकी अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो गाइस कुछ हमारा फार्म ऐसा लग रहा है, और मैंने लेफ्ट वाले में थोड़ा डिज़ाइन नहीं दिया, थोड़ा गड़बड़ है डिज़ाइन, चलो कोई नहीं फिर सेट कर देंगे। अब भाई थोड़ी दूर में आया ना, और जहाँ पे हमारे ट्रेडर घूम रहा था, और भाई साहब हमारे पास तो एक पड़ा था, ये क्या बोलते हैं, एमरल्ड, हाँ एमरल्ड भाई, ये ब्लॉक ऑफ एमरल्ड से मिला था ये भाई, आयरन से तोड़ने पे मिलता है। हमारा जो फ्रेंड माइन करने गया था उसके पास दो एमरल्ड थे, ठीक है नॉर्मली, तो भाई उससे मैंने खरीद लिया इसमें से पम्पकिन सीड। और भाई अभी एक खेत मैंने और बना दिया, और लेफ्ट वाले का डिज़ाइन भी सेट कर दिया, ठीक है। और भाई तीन खेत हमारे कुछ ऐसे लग रहे थे देखने से, आप देख लीजिए आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा दूसरी साइड से दिखा देता हूँ कैसा लगेगा, दूसरी साइड से हमारे खेत कुछ ऐसे लगेंगे गाइस। अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको दूर साइड भी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा लगेंगे हमारे ये टोटल तीनों खेत। अभी हम चार भी बना सकते हैं, पाँच भी बना सकते हैं, फिलहाल के लिए तो भाई जितनी आइटम आते रहेंगे उतने बनाते रहेंगे। अब भाई इस टाइम पे मेरे को टोटल हो चुका था 1.5-2 घंटा खेलते हुए, आपके लिए तो भाई 10-11 मिनट हुए, लेकिन मेरे को 1.5-2 घंटे में इतनी वीडियो मेरी रेडी हुई थी, और मेरा फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी थी, इसलिए मैंने एडिट किया और उसके बाद दोबारा से मैंने माइनक्राफ्ट ओपन की। और मेरे को भाई अचीवमेंट कंप्लीट करने पे ये इमोट मिला है, और जी इसको कलेक्ट तो करते कैसे है मेरे को पता ही नहीं चल रहा यार, जहाँ पे मैंने कलेक्ट भी कर दिया इसको इक्विप कैसे करते हैं मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज़ जिसको पता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो कि भाई ऐसे ऐसे करके ये इक्विप होगा, मेरे पास ये फ्री में पड़ा है यार, अभी मेरे को किसी अचीवमेंट में मिला है, देखो अनलॉक का ऑप्शन आ चुका है, तो भाई बता दो यार कैसे होगा ये, मेरे को पता नहीं लग रहा है यार। अच्छा है वैसे इमोट करके दिखाया करेंगे आपको स्टार्टिंग में, चलो कोई नहीं, चलो अभी गेम स्टार्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं भाई हमारे विलेजर भैया को ढूंढने, मतलब हमको विलेजर चाहिए हमारे घर पे। तो जिस हिसाब से भाई उसने बताया मेरे फ्रेंड ने, वो मेरे अभी पास बैठ चुका था कि भाई किस साइड है विलेज, तो आपको बस उसी साइड जाना था, ठीक है। अब भाई मेरे को करना कुछ नहीं था, जिस साइड को मैंने फेस कर लिया ना, वो वाला बिल्कुल सेम टू सेम, एज टू एज, एकदम ऐसी सीधा जाते जा तेरे को एक पहाड़ी मिलेगी जिस पे फूल ही फूल होंगे, और फूल पे भाई आपको वो मिल जाएगा। अब भाई इस टाइम पे मेरे को कॉल आ गई थी, दूसरा चैनल। अब इस टाइम पे भाई मेरे को पूछ रहे थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मैं बोला मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ, तो वो बोले फ्री फायर तो बैन हो चुकी है तो किस पे डाल रहे हो, मैं बोला भाई फ्री फायर पे भी डाल रहे हैं लेकिन मैं अभी दूसरे चैनल की रेडी कर रहा, वो बोला किस पे है, तो भाई थोड़ा मैंने बता दिया उनको। अभी भाई थोड़ी बात चल रही थी हमारी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया म्यूट क्योंकि कॉल की ही आवाज़ आ रही थी। तो हाँ भाई अभी जैसे हमारे फ्रेंड ने बताया था कि थोड़ी दूर जाके एक पहाड़ी आएगी, मतलब सीधा जाते रहे बिल्कुल इधर उधर मत देखना, सीधा जाता रहे, उसके बाद एक पहाड़ी आएगी, पहाड़ी पे होंगे फूल ही फूल, मतलब भाई सच्चे है उसकी बात, वो तो बोला तुम्हें सामने चमक जाएगी भाई, पूरी पहाड़ी भर रखी है पूरी की पूरी भाई, फूल ही फूल लग रखे हैं, और भाई इसकी जो चेस्ट थी ना वो ऑलरेडी खाली कर रखी है उसने। अब हम चलने वाले ऊपर, ऊपर देखते हैं जाके भाई कैसा थोड़ा सा विलेज है, और मेरे साथ मैं डॉगी लेकर आया था। ओके फाइनली हमको फर्स्ट विलेजर मिल चुका है हमारा, और अब जल्दी से जल्दी हम बना लेते हैं हमारी बोट, और बोट बनाने के बाद इनको लेकर चलते हैं। और गाइस ये क्या तबाही मचा के गया वो वहाँ पे, अरे ये घर ही तोड़ डाला यार उसने तो भाई। ओके गाइस भाई उसने एक ज़्यादा खतरनाक तबाही मचा रखी है यहाँ पे थोड़ी, और मेरे हिसाब से वो सामने आयरन गोलेम है ना उससे भी लड़के गया, उसकी हेल्थ कम है थोड़ी। ओके जहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा विलेजर है, चलो जल्दी से अभी पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, उसके बाद भाई बना लेंगे हमारा बोट, तो जहाँ पे इसको रख देते हैं। और अब बनाती पड़ेगी हमको लकड़ी की शवल, ये बन गई शवल। ओके भाई बेंच मार्किंग करके भाई बेंच मेकिंग करके कोई हमारी क्या बोलते हैं उसको, अचीवमेंट कम्प्लीट हो चुकी है। अब गाइस जो हमारे पास फालतू सामान है वो गिराते हैं पहले, तो क्या है ये फूल, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई, मतलब फूल का ये पूरा पहाड़ी फूल किया है ना, इसलिए कहीं से भी टूट के कलेक्ट हो रहा है यार। ओके चलो जो फालतू सामान था हमारे पास वो हमने गिरा दिया, ये हमारी स्टिक वगैरह समथिंग जो भी था हमने गिरा दिया। अब हम भाई चलते हैं किसी विलेजर को उठा कर लेकर जहाँ से, और भाई ये भी उठा लेते हैं क्योंकि विलेजर्स को अगर ये घंटी बजा दो तो भाई एकदम से घर में घुस जाते हैं, पता नहीं इनको क्या है ये, इनसे भाई ये वचनबद्ध होते हैं पता नहीं जो भी होता है इनका। ओके अरे बैठा नहीं है यार थोड़ा। ओके गाइस अगर आपको भी विलेजर अपने घर पे लेकर जाना है तो ऐसे आप उसके सामने ये रखो बोट, और उसके बाद भाई यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मेरे पास फ़ोन है भाई मैं ऐसे माउस से क्लिक करके नहीं इसमें बैठ सकता। अरे आजा भाई क्या हो गया। ओके यहाँ पे आ रहा है थोड़ा। ओके भाई बैठ गए, चलो अभी शुरू करते हैं भाई इसको घर पे ले जाना, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट विलेजर है, ये चलती कैसे है यार। ओके दो बटन है इसके,
और दोनों इधर उधर होकर चल जाते हैं। ओके गाइस देखो, बाकी लोग पानी में चलाते हैं, मैं भाई मिट्टी पे चला रहा हूँ, मतलब मिट्टी पे भाई बोट कैसे, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। चलो अभी इसको भगा लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं भाई क्या क्या हमको दिक्कत आएगी, या फिर फर्स्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे या नहीं। और भाई मेरे को लोकेशन, हाँ सीधा आए थे सीधा चलेंगे, ठीक है। और भाई यो भाई नीचे गिर गया था इधर, अगर नीचे एक बार भी गिर जाता तो मर जाता यहाँ पे, शायद मरता या नहीं पता नहीं भाई, रिस्क क्यों लेना यार, अगर मर गया तो भाई पूरा सामान चला जाएगा, गलत सीन हो जाएगा भाई, और भाई फिर से घर से आना पड़ेगा नहीं तो। ओके गाइस हम जहाँ से उतर चुके हैं और मेरे एक हार्ट कम हो चुका है, और ये भाई भी थोड़ा सा बोले थे मतलब ऐसे करके भाई इनकी आवाज़ आई थी, अरे मैं क्यों निकाल रहा हूँ, इनकी आवाज़ आई थी तो मैं इनको चेकआउट कर रहा था उतर के कि भाई ये जिंदा है या नहीं। तो ओके ये जिंदा है अभी भी, और मैं अभी जगह देख कर आया था थोड़ा। चलो अभी इसको लेकर चलते हैं इनको बोर्ड, ओके खींचो जल्दी से जल्दी, अभी थोड़ा फास्ट कर देते हैं गाइस क्योंकि ज़्यादा ही स्लो चल रही है यार थोड़ी ये। ओके अब इस जगह को भाई तोड़ के मेरे को आगे निकलना पड़ेगा, उसके बाद पानी में एक बार उतर गए तो भाई पानी से तो सीधा पहुंच जाएंगे भाई घर के पास, और उसके बाद आगे का देखेंगे भाई कैसे पहुंचा जाएगा या कैसे नहीं। ओके अभी ये सारी मिट्टी मेरे को हटानी पड़ेगी गाइस, देखो कितना झंझट है भाई, इतना टाइम वेस्ट हो गया ना था मेरा जहाँ पे भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा टोटल जहाँ पे दो घंटे हो चुके थे मेरे को खेलते हुए, पहले तो फार्म बनाने में ही डेढ़ घंटा लग गया, उसके बाद भाई इसको ले जाने में ही अभी भाई आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका था, जहाँ पे पहुँचने के लिए और ऊपर से और भी काम करने के लिए बहुत टाइम हो चुका था। और भाई अभी बैठते हैं इस बोट में, इसको लेकर चलते हैं, और भाई क्या यार ये भाई एक ही डॉगी, और इसका भी भाई मरने का इरादा है मेरे हिसाब से, और इसकी पूंछ भाई जितनी ऊपर होगी इसकी उतनी हेल्थ होगी, और अभी ये नीचे हो चुके ऑलरेडी, और इसको मैं हड्डी खिला के देख रहा था यार कि भाई ये उठ जाए। अभी चलो बोट तोड़ के ही इसको निकालना पड़ेगा इसमें से। ओके फिर से लगा इसके थोड़ा सा, और भाई वो भाग लिया, अरे रुक जा नुबड़े कहाँ गई मेरी बोट भाई। ओके वहीं पे गिर गई गाइस, इसको उठा के अभी इसको जल्दी से लेकर चलते हैं यार, भाई बहुत फास्ट भाग रहा है, अरे कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा तेरे को घर पे लेके जाएंगे नए वाले पे, बैठ जा रे बैठ जा नुबड़े, हिलना मत। अरे भाई इतनी मेहनत खराब, कितनी झंझट है भाई बताओ। ओके चलो अभी लेकर चलते हैं इसको भगा के, थोड़ा फिर से तेज कर देते हैं, और ये डॉगी मरने वाला है लगभग भाई, इसकी बहुत कम हेल्थ है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसकी पूंछ भाई बिल्कुल छोटी हो चुकी है, जो टेल होती है इसकी वो बिल्कुल छोटी हो चुकी है, जितनी इसकी भाई ऊपर नहीं छोटी नहीं मतलब नीचे हो चुकी है, बिल्कुल झुक चुकी है, जितनी ये ऊपर होगी उतना भाई इसकी हेल्थ होगी। चलो अभी क्या ही कर सकते हैं यार, फालतू में ही मेरी बोट में बैठ गया यार काम बढ़ाने के लिए। चलो अभी खींचते हैं इसको जल्दी से जल्दी, देखते हैं भाई पहुँच पाएंगे या नहीं। ओके यार बहुत दिक्कत आ रही है यार इसमें तो भाई, बहुत टाइम खराब हो रहा है इधर तो भाई। चलो कोई नहीं भाई, इसको घसीट के एकदम सामने, बस एक बार पानी में उतारना है, पानी में उतारने के बाद भाई सीधा ये पानी में तो पूरा एकदम फास्ट भाग लेगी बोट, तो बाकी देखते हैं यार कब तक पहुंच पाएंगे इधर से। ओके ये थोड़ा सा झटका सा क्यों मार रही है भाई एकदम बोट, ओ भाई अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी यार, मेरे को पानी में उतरना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, अगर एक बार पानी में उतर गए तो बोट बहुत फास्ट भागती है। अरे ये हेल्थ कहाँ से कम हुई, किसने करा भाई ये जॉम्बी अभी से आने लगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है। चलो अभी गाइस अभी उतर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, हम नीचे आ चुके हैं, अब सीधा खींच रहा हूँ बिना हेल्थ डाउन की है हमारी, और भाई अभी देखते हैं सीधा हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। ओके और नीचे उतरो ओ भाई मुर्गी मेरे हाथ में सीट देख के एकदम से भागे भागे आ रही है, बताओ मार डालूंगा दूर रही हो मेरे तो। ओके अभी भाई उतरने वाले हैं पानी में फाइनली। ओके गाइस ठीक है अब सही है काम, चलो अब सीधा भाग आते हैं यहाँ से भाई, और रुकना नहीं है अभी भाई, रात हो चुकी है क्योंकि रात हमको काटने के लिए बहुत दिक्कत आएगी, अगर हम रुके तो हम मर गए, बस एक ही काम होगा। और भाई पानी में भी जॉम्बी हैं बताओ, ये पानी वाले जॉम्बी अलग से तंग करते हैं, इनके हाथ में ट्राइडेंट होता है भाई, इनके ट्राइडेंट एक ही मारते हैं, बस एक से ही भाई आपके जो इतने हार्ट ना भाई, सिर्फ दो हार्ट रह जाते हैं, इतनी डैमेज होती है ट्राइडेंट की बताओ। चलो क्या ही कर सकते हैं, अभी पानी में घुमाते हैं क्या करें भाई, और कुछ हमारे पास चारा भी नहीं है जब तक भाई दिन नहीं होता, अगर दिन हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से ले जाएंगे। और मेरे को अभी लोकेशन भी इतना ज़्यादा खास पता नहीं है, बस इतना पता है कि इस साइड को सीधा सीधा जाकर भाई हम वहाँ पे हमारे घर में पहुँच पाएंगे, तो चलो अभी जल्दी से घुमा लेते हैं और पहुँचते उधर उस साइड को। ओके गाइस मैं इधर फिर से आ गया, और जहाँ पे एक टॉर्च लगी हुई है, और टॉर्च लगी हुई है इसका मतलब मैं जहाँ पे आया हूँ ऑलरेडी, तो इस साइड को ही मेरे को आगे जाना होगा, ठीक है। अब भाई क्या करें, मेरे को रास्ता तो पता नहीं है यार, इस साइड को तो जाना है लेकिन जाना किधर को, राइट लेफ्ट मेरे को कुछ नहीं आइडिया आ रहा भाई, मैं किस साइड को आया था नो आइडिया, क्योंकि रात हो रखी है ऑलरेडी, अगर दिन होता थोड़ा पता गैस लग भी जाता, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं, क्या ही कर सकते हैं।
अब जहाँ पे टॉर्च लगा के थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। चलो ओके, अभी कोई और यार भाई पानी में जॉम्बी है एक भाई, इसको मार डालेगा। इसको बोट तोड़ के भाई आगे लेकर आना होगा, उसके बाद आगे बोट पे बैठाना होगा दोबारा से मिट्टी पे। ओके हो गया कांड भाई, उस जॉम्बी ने एक मतलब एचपी पे इसको वो बना दिया जॉम्बी, मतलब एक मारा उसके हिट मारा एकदम एक आके हिट मारा, उसकी हेल्थ ऑलरेडी डाउन थी क्योंकि मैं ऊपर से उतार कर ला रहा था ना, तो भाई बस मर गया यार, क्या ही कर सकते हैं भाई इसमें। भाई गई मेहनत भाड़ में यार, अरे यार अबे छुटकू रुक जा रे, तूने मेरी मेहनत खराब कर दी। ये रहा भाई, इसको तो मारने का भी मन नहीं करा यार, क्या करें भाई। ओके इसको लिटाते हैं पहले। ओ भाई हमारा कुत्ता भी मर गया, अभी रात भी हो रखी है, अभी क्या करें यार यहाँ पे। इसको मारूं या ना मारूं भाई, मारने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि भाई ऑलरेडी यार इसको लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्या कर सकते हैं अभी इसमें, और रात हो रखी है कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये मैंने थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज़ किया यार। अरे यार भाई क्या गलत सीन यार, फिर से दोबारा बिठा के इधर इतनी दूर लेकर आओ, और ये क्रीपर अलग से तंग कर रहा है यार। फूट जा यार, फूट जा फूट जा, इन पे फूट जा। ओके एक मर गया बाकियों को, अरे भाई कैसे झुंड आ रहा है इनका। अरे ए बख्श दो भाई प्लीज़ यार, मेहनत तो इतनी ख़राब कर दी, अभी छोड़ तो दो ना। ये मकड़ी अलग से तंग कर रही है, दिन में इसको भाई कुछ याद नहीं रहता, सामने से निकल जाओ फिर भी नहीं इसको पता चलता कि सामने से बंदा गया है। ओके फाइनली भाई, अभी मैं घर चेकआउट करने आया था किधर है मेरा, और इधर काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका, और मेरे को जहाँ पे पता चलता है कि जहाँ पे सामने एकदम मेरा घर है, और अब मैं दांत निशानियाँ छोड़ते जाऊँगा। और ये भाई बिच इसको मार देते पहले, तो ये दिक्कत देगी नहीं आगे जाके हमको। ओके इसके पास ग्लोस्टोन डस्ट क्या है, ये ग्लोस्टोन डस्ट, हाँ ये गिराया इसने, ये उठा लेते हैं। किसको गिराएं यार, ओके वीट गिरा दी मैंने। ओके गाइस वो सामने एकदम बिल्कुल वहाँ पे हमको जाना है। ओके वो हमारा घर है, वो जहाँ पे देखो दिखना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, उसका सर होता है ना जो सर मतलब हेड, वो दिखना स्टार्ट हो गया। चलो अभी निशानी लगा कर जाएंगे कोई ना कोई, तो भाई फिर देखते हैं भाई पहुँच पाएंगे घर पे या नहीं। और भाई कुछ सॉरी जहाँ पे थोड़ा आपकी आँखों में चुभ रहा होगा, ये रंग मैंने ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर रखी है। अब भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यार क्या करें भाई इस टाइम पे, क्योंकि भाई इतनी मेहनत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि घर पे जाता हूँ, बेड बना लेकर आता हूँ साथ में, और बेड लगाता हुआ आता रहूँगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं पहले घर पे चलते, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा कम चीज़ें हैं, खाने के लिए कोई जुगाड़ लगा कर आते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा चलेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए दिन भी कर लेते हैं यार, नहीं तो जहाँ पे मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास हेल्थ ऑलरेडी नहीं है, खाना तो है ही नहीं भाई, खाना तो है ही नहीं। अगर खाना होगा ना तब दिक्कत तो थोड़ी कम हो जाएगी। और देखो भाई इतनी रात हो रखी है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर रखी थी भाई, इसलिए आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। चलो अभी फाइनली भाई भूख लग रखी थी, मेरा करेक्टर भाग भी नहीं रहा भाई भूख की वजह से, बताओ। अब भाई पहुँच गए अभी जहाँ पे भाई कुछ देखते हैं। ओके मेरे पास भाई हेवल पड़ी है, और इसको भाई हम बीट में कन्वर्ट करके उसके बाद ब्रेड बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर हमारा काम चल सकता है थोड़ा बहुत। अभी चलो बाकी जो सामान है हमारा फालतू का वो निकाल के रख देते हैं, कौन कौन सा भाई फालतू है हमारे पास। ओके आयरन निकाल देते हैं, एमराल्ड निकाल देते हैं, और भाई हेवल तो रखना पड़ेगा, और भाई ये बुक निकाल दी, ठीक है। ओके और कुछ बचा है, ये लेदर उधर निकाल दिया। ओके चलो भाई ब्रेड बना लेते हैं अपना, पहले तो वीट बनाना पड़ेगा हमको, और वीट बन गया, उसके बाद ब्रेड बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी भाई भूख भी ज़्यादा लग रखी है, और भूख की वजह से मेरी हेल्थ भी फुल नहीं हो पाएगी, तो भाई जल्दी मरने के चांस है, इसलिए मैं घर पे भाग के आया, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और वहाँ पे मैं भाई जॉम्बी को मार के उसका मांस खाता तब भी भाई मेरी हेल्थ फुल नहीं होने वाली थी, इसलिए मेरे को घर पे आना ही पड़ा। चलो अब जल्दी से जल्दी इसको सब कुछ खा के और उसके बाद बेड साथ में लेकर जाएंगे। ओके ये कलेक्ट हो चुका है, पहले तो जहाँ पे लगा के सो तो लें यार भाई, दिन तो कर लें। ओके गाइस फाइनली जहाँ पे बच गया भाई, एकदम टाइम पे बच गए हम, और हमारी 8 की एक्सपी हो चुकी है ऑलरेडी। अभी तो भाई बहुत सामान पड़ा है, और ये मकड़ी यार क्या बोलें इसके बारे में। चलो यहाँ पे बेड रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चलते आगे। और भाई अरे यार भाई क्रीपर भाई दिमाग ख़राब, इसलिए मैं घर पे आ गया था गाइस यार। अबे भाई दिमाग ख़राब भाई, 2 घंटे की मेहनत और काम करो यार। भाई एक और आ रहा है यार नुबड़ा कहीं का, अबे हेलो मेरे घर पे क्या इस यही भाई, जहाँ पे इतने क्यों आते हैं, जब मैं बना रहा था तब भी सीढ़ियों पे फूटा था, अभी फिर से सीढ़ियों पे फूटा, ऑलरेडी 3-4 बार सीढ़ियों पे ही फूट चुका है। आपको अगर पहले एपिसोड याद होंगे तो,
ऑलरेडी जो सीढ़ियाँ ना, सीढ़ियों पे भाई कितनी बार जॉम्बी फूट, ये जॉम्बी नहीं है ये क्रीपर है नूबड़ा कहीं का, कितनी बार फूट चुका है वो भी सीढ़ियों पे भाई, फालतू में काम बढ़ा रहा है यार ये। चलो भाई दूर आ जा घर से प्लीज़, रिक्वेस्ट है छोटी सी, अब फूट जा फूट जा फूट फूट फूट। अबे कितनी ऊपर उठा देता है भाई साहब। अरे भाई एक हार्ट पे बच गया, अगर मर भी जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं, घर पे पास ही थे भाई, यहीं पे स्पॉन हो जाते एकदम से आके अपना आसमान उठा लेते। चलो कोई नहीं, अब भाई दोबारा जाना पड़ेगा यार भाई, एक बार तो हमारी मेहनत असफल रही भाई, दोबारा से जॉम्बी नहीं विलेजर लेकर आना पड़ेगा, और देखते हैं भाई फिर से क्या टाइम लगेगा यार भाई साहब। और हमारे पास एक सीड है भाई, ये सीड उगा देते हैं यहाँ पे, ये लो। ओके डन, अब चलते हैं दोबारा से भाई, देखते हैं भाई क्या बन पाएगा हमारा सीन यहाँ पे। और हेवेल भाई इधर हेवेल सेट करते हैं ना थोड़ी सी, जहाँ पे नीचे लगाएंगे गाइस ऐसे करके, इससे भाई हम ब्रेड वगैरह बना सकते हैं, इसको ऐसे लगा देंगे। अरे लग जा भाई, ये उल्टा क्यों लग रहा है यार। अरे ये लाइन इधर होनी चाहिए ना भाई, फिर डिज़ाइन अच्छा लगेगा यार, ऐसे बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहा। अबे जी क्या है भाई, तीनों उल्टे उल्टे लग गए यार। अरे भाई ओके अब थोड़ा समझ में आया, नीचे टच करना है। अबे नीचे हो जाना भाई, अबे नहीं हो रहा यार, कहाँ से लगेगा भाई ये एकदम। ओके हाँ अब समझ में आ गया, इसके नीचे वाली साइड टच करना है, मेरे को लगा पहले ऊपर से नीचे को टच करना है, ये गलत हो गया थोड़ा। ओके गाइस फाइनली हम फिर से निकल चुके हैं, और अब मैं भाई ये निशानियाँ लगा कर जा रहा हूँ ऐसे, मतलब टावर खड़ा कर देता हूँ। और हमको भाई फिर से डॉगी मिल चुका है, वो तो हमारा मर चुका था गाइस, और ये तो एक हड्डी से ही टेम हो गया गाइस ऑलरेडी। और भाई तू भी खा ले हड्डी, हेलो ओए अकड़ू। ओके एक दो तीन चार पाँच छः, अबे नूबड़े सभी के सभी खाएगा क्या भाई साहब, छः हड्डी खा के टेम हुआ बताओ, कितने नखरे हैं सुन भाई, मार डालूंगा अगर एक और मिल गया इसको मार देंगे। ओके अबे शिट भाई साहब, टोटल छः हड्डी खा के टेम हुआ था और मर भी गया भाई, कितने नखरे थे उसके। अबे क्या ही पागल आदमी था भाई वो, पागल ही क्या ही पागल कुत्ता था यार। चलो भाई का है भाई ये सामान, और भाई क्या बोले सब कुछ खराब हो रहा है आज के इस एपिसोड में, वैसे तो भाई मैं हूँ ही नहीं बड़ा इसलिए खराब ही होगा, क्या ही कर सकते हैं। ओके अब क्या करें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पे भाई, और जॉम्बी भी बहुत गंदे स्पॉन हो रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा। जॉम्बी तो चल जाएगा भाई, जॉम्बी के तो एक आध आप तलवार से स्वॉर्ड से मार देंगे, लेकिन ये क्रीपर भाई एकदम आके पास में फट जाता है, वो देखो पीछे एक और फट गया बताओ, और भाई ये भी एक और पीछे पड़ गया हमारे ऑलरेडी, और जहाँ पे हड्डी घूम रहा है इसको मारते हैं अभी। मेरे को भाई थोड़ा सा इसकी बोन चाहिए होगी, ओके दो मिल चुके हैं इससे, पांच होगी ऑलरेडी, दोबारा मर जा भाई। अबे कितने भाई कैसे पीछे पड़ गए, अबे बख्श दो भाई। अरे अरे रे 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 भाई 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 रुक जा, अबे ए हेलो, अबे भाई कितने हैं, अरे चार हड्डी भाई चार, अरे आपस में लड़ रहे हैं भाई, आपस में लड़ रहे हैं, अबे आपस में लड़ रहे हैं। ओके अबे क्रीपर भी, अबे 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 भाई बच गया बच गया बच गया बच गया, रे 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 भाई क्या सीन है भाई, खत्म ही नहीं हो रहे भाई, कितने अबे भाई साहब पूरा मारने का मतलब एकदम ही मन मना लिया जैसे इन्होंने। अरे हार्ड मोड थोड़ी खेल रहा हूँ मैं, पीसफुल है शायद नीचा नॉर्मल। अरे भाई साहब का ही बचा भाई, कितने मतलब हड्डी कितने थे और भाई जॉम्बी कितने आ गए थे और क्रीपर भी फूटा ऊपर से आके। देखो गाइस इतनी रात हो रखी थी, अभी मैंने थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दी थी। ओके गाइस हम ऐसे करके ये टावर बनाते हुए जाएंगे आगे को, और उसके बाद हमारा काम बन जाएगा और हमको रास्ता याद रहेगा, उसके बाद हम बोट में बैठाएंगे, उसके बाद चलेंगे एकदम घर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ओ भाई साहब ढाई घंटे हो चुके हैं टोटल मेरे को यहाँ पे खेलते हुए, अभी देखते हैं भाई कितना ज़्यादा। ओ भाई ये बूट गिरा के गया है वो, प्रोटेक्शन टू की इसमें एन्चैंटमेंट है गाइस, और भाई इसका फ़ायदा होता है प्रोटेक्शन टू का भाई एन्चैंटमेंट, और जिनको नहीं पता भाई उनको मैं बता दूं, एक टेबल लगता है जिसका नाम होता है एन्चैंटमेंट टेबल, उससे आप ना किसी भी मतलब आर्मर को या फिर किसी भी हथियार को एक अलग एट्रीब्यूट दे सकते हो, एट्रीब्यूट मतलब एक काबिलियत दे सकते हो ज़्यादा तेज तोड़ने की या फिर ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा जल्दी ना टूटने की, ऐसे कुछ ना कुछ उसका एट्रीब्यूट होता है। अगर जॉम्बी के मारोगे तो उसको आग लगेगी, ऐसे करके भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें प्रोटेक्शन टू है। प्रोटेक्शन टू का तो आपको मतलब समझ ही गया होगा, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाना, तो बस भाई ज़्यादा थोड़ा बचाएगा, मतलब प्रोटेक्शन टू की एन्चैंटमेंट दे तो भाई लेवल टू की तरह से बचाएगा, मतलब दुगना बचाएगा, तो ये भी सीन हो सकता है। ओके तो मैंने वही पहन लिया गाइस,
थोड़ा सा भाई बचत तो होगी उससे, अभी और क्या कर सकते हैं, अब यहीं पे वेट करना पड़ेगा यार, उसके बाद फिर से पहुंचना पड़ेगा। और भाई ये देखो भाई जॉम्बी, और भाई ये भी एक जॉम्बी विलेजर और दो, भाई साहब मतलब कितने जॉम्बी विलेजर बन रखे हैं यहाँ पे आसपास में, कोई और भी मतलब मेरे को लग रहा है विलेज है जो आसपास में ये जॉम्बी विलेजर बन चुके हैं। देखो ऑलरेडी इनको हम क्यूर करके भाई दोबारा वो भी बना सकते हैं विलेजर, इसलिए मैं इनको जहाँ पे पैक करूँगा अभी, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। अरे हो जाओ भाई, इधर इधर नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे, एक मिनट इधर लगाएंगे एक मिट्टी, अब नीचे उतरेंगे गाइस। ओके उतर गए, अच्छे बच्चे। अबे अरे उधर मत जाओ, 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 हमको एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं, अब सही है। ओके अब इसको भाई पैक कैसे करें, इनको निकल लेते हैं। अरे इधर आना नुबड़े, अरे अंदर हो, अंदर 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 अंदर, हाँ हाँ देख ले भाई देख ले। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये भाई कितना दिमाग है इनका, कितने ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी। अबे हट बे, अबे हट, मेरे को यहाँ पे लगाने दो। ओके अबे यार, अबे अबे भाग भाग, अबे 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 मर गया, अरे मर गया, अबे बटन दबाए, शिट, अबे भाई साहब, अबे बटन दबाया हुआ था मेरा यार ऑलरेडी, भाई भाग नहीं पाया, गलत सीन हो गया यार, भाई मेरा पूरा सामान चला गया यार, इतना महंगा महंगा सामान था उसमें, नहीं महंगा महंगा तो नहीं मतलब सामान था यार, जो भी था था मतलब मेरे पास। तो गाइस चलो अभी ढूंढ लेते हैं यार कहाँ गिरा है भाई, लेफ्ट साइड में वो ना अभी हमारी लोकेशन आ रही है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ मैं मरा तो मरा क्यों भाई, ये लेफ्ट साइड में जो एक नीचे बटन है ना, इसमें सेंटर में एक गोल कलर का गोल बटन है, गोल कलर का सॉरी गोल गोल अबे यार गोल बटन है, वो मैं दबा दिया, अगर वो उसको दो बार टैप कर दोगे ना तो आप किसी ऊंचाई से गिरोगे नहीं, ठीक है, और भाई आप उससे भाग भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर उसको आपको दो बार टैप कर दिया, बस यही दिक्कत है ये भाई, मैंने वो दबा रखा था तो इसलिए भाग नहीं पाया, मर गए यार। अब भाई अपनी ढूंढते सामान को कहाँ है भाई, मैं लोकेशन देख के इधर को आ रहा था, मैंने गैलरी में चेकआउट कर ली थी भाई मैं कहाँ पे मरा था लास्ट टाइम पे, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी ना तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा चेकआउट किया तो है कहाँ, उसके बाद अभी ये पड़ा है। चलो फाइनली अपना सामान मिल चुका है गाइस, सारा ही है मेरे हिसाब से तो, बाकी पता नहीं है। और ट्राइडेंट मार रहा नुबड़ा वो, अरे इसके पास स्वॉर्ड है भाई, एक ही शॉट मार के भाई साहब छः हार्ट खा गया नुबड़ा। ओ भाई साहब छः हार्ट आयरन की स्वॉर्ड एक मारी बस उसने भाई साहब, इसलिए आर्मर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। चलो अभी दिन चढ़ने लगा, इनको देखते हैं गाइस कब तक टिक पाएंगे हमारे सामने, सबसे पहले तो इसको लिटा डालते हैं, ये तीर मारेगा, अरे कितना गंदा निशान है इस नुबड़े का, इसने एक तीर मारा वो भी जाके पैरों पे लगा मेरे, बताओ इसको ख़त्म कर देते हैं नहीं तो ये तंग करेगा यार, तीन तीर खाए इसने नुबड़े ने, अब मेरे पास तीर इतने नहीं होते, नहीं तो भाई इनको मैं यही बो से ही मार दूं सबको, तीर कमान ही चला चला के मार डालूं इनको, लेकिन होते ही नहीं है ना, क्या करें दिक्कत यही है। और ये घूम रहा वही जॉम्बी जो विलेजर बन गया था हमारा फर्स्ट वाला, और इसके पास ये क्या है भाई, इसने बूट पहन रखे शायद अपने वाले, इसके पास आ गए, इसको नहीं मारेंगे यार भाई, शायद इसको दोबारा विलेजर बनाना पड़ जाए ना तो भाई क्या करें, अभी दिक्कत हो सकती है ना थोड़ी, चलो इसको नहीं मारेंगे छोड़ो। ओके अभी भाई हम दिन चढ़ चुका है और हमारी बोट आर्मर पूरा का पूरा गया, आयरन की स्वॉर्ड गई गाइस, गया यार थोड़ा सा सामान तो गया भाई, भाई साहब यार क्या ही दिक्कत वाली बात है, छोड़ो यार चलो अपन अब चलते हैं भाई, अभी एक और टावर खड़ा करेंगे, उसके बाद टावर खड़ा करने के बाद आगे चलेंगे, और मतलब टावर नहीं वो निशानी लगा देंगे जहाँ पे, देखो ऐसे करके निशानी लगाता हुआ मैं आगे आगे जाऊँगा, इससे लोकेशन पता चलती रहेगी मेरे को किस साइड जाना है, ठीक है, उसके बाद फिर जी जो एक और लेकर आएंगे उसके बाद हो पाएगा मेन काम। अरे यार भाई इतनी मेहनत पानी में क्यों गिर रही है यार, चलो देखते हैं यार अभी दूसरी बार जा रहे हैं भाई, इतनी मेहनत करके भाई पहली बार तो मैं पहुंच गया था। ओके हमारी एक और अचीवमेंट कंप्लीट होगी, इसमें लिखा हुआ है आर्चर, इसका मतलब होगा शायद वही सिंपल सा क्या है भी, बंदे को तीर से मारना था, हाँ मार दिए दो बंदे मार दिए भाई हमने तीर से। और हाँ गाइस मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि भाई जो इमोट था वो मैं कैसे क्यूब करूँ, अभी एक निशानी यहाँ पे लगा के आगे चलते हैं। ओके ये थोड़ा ऊंचा रख दिया मैंने, ज़्यादा बढ़िया रहेगा वैसे, ऊंचा फ़ायदा रहेगा, अब कूदूँ कैसे भाई। ओके चलो ज़्यादा हेल्थ नहीं की है हमारी। ओके डन गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, अब ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पर, और ये वाला घर, ओके ये लूटा नहीं था उसने, ये नीचे है भाई घर, ये उसने लूटा नहीं था, जो सबसे नीचे घर है। ओके इसमें से मेरे को तीन एमराल्ड मिले हैं, ब्रेड मिले थोड़े से, छः आलू मिले हैं, चलो
बढ़िया बात है। ओके, इसमें से कुछ हमारे पास फालतू सामान है जो निकाल देते हैं ना। नहीं छोड़ो, अब भाई थोड़ी देर में ही मैं यहाँ पे खड़ा था और जे बाहर आके देखा तो जे ब्लेजर भैया ऊपर चढ़ रखे थे। इनको अब लेकर जाएंगे हम। ओके, अरे भाग मत भाग मत। ओके डन, अब भाई इसको लेकर जाएंगे कैसे ना कैसे करके, हमको घर पे लेकर जाना है इसको। भाई क्या बोले अभी यार, पहला तो ख़राब हो गया काम पूरा, मेरे को लग रहा है चार घंटे हो गए थे जहाँ पे अभी खेलते हुए गाइस गेम को, और चार घंटे के बाद मैं अभी दूसरा विलेजर लेकर जाने वाला था। देखते हैं अब इसको ले जा पाऊँगा या नहीं, बाकी देखते हैं भाई क्या बनेगा। थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं जहाँ से भाई, देखते हैं कितनी फास्ट हम जा पाएंगे जहाँ से। ओके भगाओ गाइस, चलो निकल लिए गाइस हम। अब मैं सीधा पानी में जाऊंगा, यहाँ से जंप ही करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी हेल्थ जाएगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई सामने ना पानी है, पानी में से मजा आ जाएगा, सीधा भागेगी बोट पूरा एकदम गोली की तरह। देखते हैं यार कितने टाइम में पहुंच पाएंगे अपने घर में गाइस। चलो अभी जहाँ से फास्ट कर देते हैं थोड़ा सा भाई पार्ट हम। ओके भागो, चलो गाइस अभी देखो इस साइड को जाना है, उसके बाद वो दिख रहा है हमारा जो हमने टावर खड़ा किया है, जिस साइड को जाना है उसी हिसाब से। ये देखो इससे ये फ़ायदा रहेगा हमको, अब लोकेशन पता चलती रहेगी, नहीं तो मैं उलझता रहा पहले पिछले वाले में, जो मतलब पिछला हम विलेजर लेकर जा रहे थे उसमें उलझ रहा था कि भाई किस साइड को जाऊँ। अब देखो एकदम पता चल रहा है कि भाई किस साइड को जाना, अब मैं लेफ्ट राइट में यहाँ पे उलझ जाता भाई कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे को रास्ते याद नहीं रहते यार इसमें भाई। अब लेफ्ट को जाना गाइस, इधर मैंने एक टावर खड़ा कर रखा है सामने एकदम। ओके हमको यहीं सामने जाना है। ओके जहाँ पे इतनी ज़्यादा दूर नहीं है विलेज भाई हमारे से, वो एकदम सामने हमारा घर आ जाता है, लेकिन हाँ भाई दूर तो है, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा फास्ट कर रखा है इसलिए मेरे को पास लग रहा है थोड़ा। चलो कोई ना। ओके गाइस पहुँच चुके हैं गाइस हम जहाँ पे, अभी मैंने ये टावर खड़ा कर रखा है जहाँ पे दिखने लगा, अब इसको चढ़ा लेते हैं ऊपर, ठीक है। और इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे गाइस, हाँ एक काम करते हैं ना, जहाँ पे ऊपर पानी छोड़ दूंगा, पानी छोड़ने के बाद उसके बाद ऊपर चढ़ा सकता हूँ क्या। हाँ देखो गाइस वो सामने एकदम ना ये पहाड़ी चढ़ के वहाँ पे मेरा घर है, और जहाँ से अभी हम पानी छोड़ के उसको ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसे करके अब मैं बोट चढ़ूंगा, बोट पे चढ़ के ऊपर लेकर आऊँगा इसको। अरे हो जा भाई, कैसे होते हैं बे यार, आजा 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 बटन आ गया। चलो अभी ऊपर लेकर चलते हैं इसको, नहीं चढ़ रहा यार। अरे भाई 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 वो बोट से उतर गया, कहाँ है भाई। ओके फिर से बोट पे चढ़ गया भाई, अच्छा बंदा है यार। अब इसको ऊपर कैसे लेके जाऊं, इसके ऊपर कैसे चढ़ाऊं भाई इसको, मैं यहाँ तक तो ले आया इसको। ए यार भाई चढ़ तो रहा है यार थोड़ा सा, लेकिन भाई फिर उतर जाता है नीचे, उसका पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा तेज है यार, मतलब क्या करें अभी। ओके जहाँ पे अभी खड़ा करते हैं इसको थोड़ा पहले, बाद में देखते हैं भाई इसके ऊपर चढ़ाकर फिर इसको पीटते हुए ले चलेंगे। अरे भाई अबे फंस गया भाई इसमें, फंस गया जी, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। ओ भाई उसके नीचे फंस गया था वो नुबड़ा, हट बे, ऐसे भी मरता है क्या कोई, मेरे को नहीं पता था ये सीन भी हो सकता है भाई। क्या ये कुछ भी भाई, उसके नीचे कैसे फंस गया, इसने हेल्थ कम कर ली अपनी, चुकर है जिंदा है भाई ये अभी भी। चलो कोई ना, अबे काम करते हैं यार भाई, घर तो क्या है यार दूर है भाई घर, जहाँ से कैसे लेके जाऊँगा इसको, एक और पहाड़ी यार ये बहुत ऊँची है भाई, वहाँ पे कैसे लेके जाऊँ इसको। एक काम करता हूँ यहीं पे घर बना देता हूँ, और क्या कर सकते हैं अभी, यहाँ पे घर बना देते जब तक मेरे को कोई और आइडिया नहीं मिलता। आप लोगों को बोल दूंगा कि भाई ये आइडिया दो मेरे को, वैसे एक पता है मेरे को कि भाई उससे लेके जा सकते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसका नाम, ट्रेडर से ना वो मिलता है एक रस्सी, तो रस्सी डाल के इसके हम ऊपर को खींच सकते हैं। ये मैंने YT पे देखा था कि भाई विलेजर्स को कैसे लेके जा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी चेकआउट कर रखे हैं, मतलब YouTube पे सर्च किया कि भाई विलेजर्स को घर पे कैसे लेकर जाएं, तो बस भाई हमने देख लिया कि जे सीन है भाई, तो ऐसे ऐसे करके ले जा सकते हैं। रस्सी से सबसे ज़्यादा आसान है, ऊपर खड़ के एकदम जंप करो आराम से पहुंच जाता है बंदा। ओके जे लग गया भाई दरवाज़ा, लेकिन इसको अंदर भी तो लेकर आना पड़ेगा ना, हाँ यही दिक्कत है भाई। ओके इसको भाई हम खोद देते हैं ताकि हमारी ये बोट अंदर आ पाए, ठीक है। और ये रही ठीक है यहाँ पे अभी के, और इसको पूरा खोद के एकदम घर बना देते हैं इसके लिए, और बाद में इसको जहाँ से ले जाएंगे, ठीक है, इसको यहीं पे जॉब दे देंगे कोई ना कोई, अगर जॉब नहीं दोगे तो भाई ये मर जाएगा, ये भी दिक्कत है तो यार। ओके डन, और भाई अभी एक और लेयर बची है यार, क्या ही बोले अभी, चलो कहीं जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कर देते हैं। ओके अब बन गया भाई इसके लिए घर, अब इसको लेकर चलते हैं अंदर, ठीक है, बोट में बैठ के। ओके आ गया ब्रो, चल अब तेरा छोटा सा घर बन गया, उसके बाद बड़ा बनाएंगे, ठीक है। और ये लो भाई,
चलो ये घर के पास तो आ गए, एक दिक्कत तो भाई दूर हो गई अभी अपनी, घर पे कभी भी ले जा सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमको। और भाई फाइनली 4 घंटे के बाद इसको लेकर आया हूँ जहाँ पे। ओ भाई क्या हालत ख़राब हुई, ऊपर से रात हो चुकी है और जहाँ पे लगाते हैं अभी टॉर्च हम। ओके ये डन गाइस, और जहाँ पे कर देते हैं इसको बंद ताकि कोई ज़ॉम्बी ना आ पाए। ओके जी आ गया नुबड़ा, अरे हट 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 हट, अरे मेरे मेरे को ब्लेजर से भी लग गया एक गलती से, ब्लेजर से एक शॉट लग गया मेरे से गलती से, मर गया यार। भाई साहब भाई रोना आ रहा है, 4.5 घंटे हो गए भाई मेरे को ये करते हुए भाई, अरे इतनी डिफिकल्ट हो सकती है क्या ये भाई साहब यार। ओ भाई साहब अभी मेरे को भाई आधा घंटे का मैंने गैप लिया जहाँ पे इस टाइम पे, और क्या बोले भाई मेरे को यार, मैंने आधे घंटे का गैप लिया, उसके बाद भाई मैं अभी जहाँ पे अपने फ्रेंड को पकड़ा के गया था वो, मैं उसको बोला कि भाई आसपास को ट्रेडर ढूंढ, तो आधे घंटे बाद ही, किस्मत अच्छी है आधे घंटे बाद ही मेरे को ये ट्रेडर मिल चुका है। और भाई इससे हमको मिलेगी अभी देखो रस्सी, मैं इसको मारूंगा अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, लेड बोलते हैं उसको। ओके वो पड़ी है ये रही, अरे यार इन्वेंट्री फुल है मेरी। ओके इस चीज़ को गिरा के अभी हमने LED हाँ लेड जो भी होता है, चलो ये उठा ली हमने रस्सी उठा ली, अब इससे मैं उसको लेकर आ सकता हूँ। लेकिन अभी यार फिर से यार भाई इतनी मेहनत, क्या बोले इसके बारे में भाई, इतना अच्छा घर बनाया नूबड़े के एक हिट लगा, सिर्फ एक, और वो एक हिट में ही मर गया बताओ। और देखो गाइस मैं अभी मैं जा रहा था इस टाइम पे, देखो इधर ये हमारा आर्मर और हमारी ये क्या बोलते हैं स्वॉर्ड वगैरह लेकर घूम रहा नूबड़ा कहीं का भाई, इसको मारते हैं और इससे ये सब कुछ छीन लेते हैं दोबारा से। और भाई इसके बूट तो टूट चुके हैं ऑलरेडी जो Level 2 के प्रोटेक्शन के साथ थे था, चलो ओके अब आर्मर पहन लेते हैं यार, एक आधे HP पे ही मर जाते हैं यार, एक शॉट में ही मर जाता हूँ नहीं तो मैं। ओके आयरन की स्वॉर्ड वापस आ चुकी है हमारी, पैंट आ चुकी है और हमारी शर्ट आ चुकी है, चलो अभी ब्लेजर को लेकर आते हैं। ओके गाइस अभी मैं जा ही रहा था, रास्ते में मेरे को ना ये मिल गया देखो क्या है ये एमराल्ड का ब्लॉक, और इसको भाई हम तोड़ सकते हैं सिर्फ आयरन की पिकैक्स के साथ, और अगर आप स्टोन के साथ तोड़ोगे तो आपको नहीं कलेक्ट होगा। मेरे पास आयरन की पड़ी है लेकिन मैं तोड़ के देखता हूँ इस पे अभी मिल पाएगा कि नहीं मेरे को। ओके गाइस अभी इसको तोड़ के देखते हैं, पत्थर की पिकैक्स से ही शुरू करते हैं जल्दी से पंचायत को। मेरे हिसाब से तो ये कलेक्ट नहीं होगा, जो कि सच में नहीं भी हुआ, और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि हम ब्लेजर को घर पर लेकर जाएंगे और उससे भाई ट्रेड किया करेंगे तो इजिली हमको मिलता रहेगा। चलो बिठाते हैं इसको बोट में, अब शुरू कर लेते हैं अपनी पंचायत जल्दी से और इसको लेकर चलते हैं अपने घर पे, और घर पे ले जाने के बाद हमको चीज़ें अच्छी अच्छी खासी भाई ऐसी इससे मिलने लग जाएंगी, हमको डायमंड माइन करने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे यार बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि आयरन की तो भाई इनसे मतलब वेपन वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे और भाई आर्मर भी मिलना शुरू हो जाएगा जिस हिसाब से इनको हम काम देंगे। फिलहाल के लिए तो भाई रात हो चुकी है तो इसको वापस लेकर चलते हैं यार, नहीं तो ये मर जाएगा। अगर ये मर गया तो मेरे हिसाब से तो जहाँ पे कमी जो हमारे विलेजर बचे हैं, मेरे हिसाब से गिन में चुन में सिर्फ 5 विलेजर बचे हैं, मैंने चेकआउट किया था यहाँ पे ऑलरेडी, तो भाई 5 विलेजर बचे हैं ऑलरेडी, वो एक और मर चुका था, उसके बाद अभी 4 ही बचे हैं, जो मेरे बोट में बिठा रखा था वो मर चुका था, ठीक है, जब मैं उसको उतार रहा था एक हिट मेरे से स्वॉर्ड से लगा, उसके बाद ज़ॉम्बी आया, ज़ॉम्बी ने पेड़ डाला यार उसको, मर गया वो। अब ये एक भाई जहाँ पे घूम रहा है नंगा ऐसी, अब 4 बचे हैं, इसको मिला के 4 बचेंगे, इसके बिना अगर इसको लेगा तो 3 और बचेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इसको लेकर चलते हैं, और मैं करने क्या वालूँ, अभी मेरे पास लेड है मतलब रस्सी है, तो रस्सी से इसको खींच के लेकर जा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। ऐसे इसके पास जाओ, पास जाकर आपको एक बटन आएगा लीश, तो लीश करके इसको अगर टैप करोगे तो ऐसे ये बांध लेगा और इसको आप दूर खींच सकते हो, लेकिन ज़्यादा दूर जाओगे तो ये टूट जाएगी, उसके बाद आपको मैं आपको बताता हूँ, तो करना क्या, ये इससे होगा क्या देखो, अरे यार ट्रेड नहीं करना भाई, लीश 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 लीश, एक मिनट दोनों सेम टाइम पे बटन आ रहे, ओके डन। आपको करना क्या है, इसको ऊपर चढ़ाने के लिए नंबर 1 पे आपको खुद ऊंचाई पे जाना पड़ेगा ऐसे, और ये भी ऊपर आ रहा है देखो, अभी आ चुका है ऊपर, अब इसको जितना मर्जी आप ऊपर ले जा सकते हो ऐसे ही कर करके, और आप सीधा इसको खींच के घर तक ले जा सकते हो। अगर आपको ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ऊंचाई देखो इतनी पास चले गए थे घर के लेकिन ऊंचाई पे नहीं ले पाए थे, लेकिन एकदम से इतना जल्दी फास्ट मत चढ़ना गाइस, उसको डैमेज पड़ती है ऐसे, धीरे धीरे करके करना जो भी करना, क्योंकि यार जी मरता जल्दी है क्या बोलते हैं इसको विलेजर हमारा,
और भाई इसको ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं सभी कुछ काम, भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है। भाई इनको ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है यार, भाई हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पहले तो हमने फार्म बनाया, और हाँ भाई अभी वीडियो इतनी लेट थी तो भाई बनता है इतना, तो चलो कोई नहीं, आप आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई इसको जॉब मिल चुकी है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे अभी देखो ये खेती हो रखी है, और जहाँ पे इसका खेती का ये भाई सामान पड़ा है, तो इसलिए ये अभी फार्मर बन गया, मतलब क्या होता है किसान बन गया, ठीक है। इसके सर पे टोपी लग रखी है ना, देखो अभी ध्यान से आपको पता चलेगा, तो ये फार्मर बन चुका है गाइस अभी जहाँ पे। चलो कोई नहीं, अभी इसको घर पे ले जाके कोई ना कोई अच्छा सा काम देंगे, अभी तो भाई तू फार्मर बन गया, अब घर पे ले जाके हम खुद से तेरे को जॉब देंगे, देखेंगे कौन सी तेरे को सेट बैठेगी, ठीक है। अब गाइस सब हमारे पास लेड थी, तो मैं इजीली वहाँ से इसको घसीट के जहाँ तक ले आया पानी में, तो पानी में बिठाया, उसके बाद पानी में नहीं बिठाया, पानी में मैं खुद बोट में बैठा, उसके बाद लग गया अपने काम में भाई। तो बस फिर जहाँ पे अभी देखो मार्क आ रखा ऑलरेडी भाई, मतलब जो हमने ये टावर खड़े किए थे मिट्टी के, तो बस इसको देखते देखते मैं चल लिया घर की साइड। तो थोड़ी देर में ही भाई हम घर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि घर इतनी ज़्यादा दूर नहीं है हमारा अगर हम बोट में बैठ जाते हैं, क्योंकि बोट ऑलरेडी बहुत फास्ट जाती है बंदे के कंपेयर में, मतलब बंदा थोड़ा तेज़ भागता है, तेज़ नहीं भागता, थोड़ा स्लो जाता है, तो उसके मुकाबले में ये 5-6 गुना ज़्यादा फास्ट है हमारी बोट, तो ये ईज़िली हमको घर में ज़्यादा जल्दी पहुँचा देती है। ये तो बढ़िया बात है कि भाई विलेज तक हमारा क्या बोलते हैं पानी ही पानी है, भाई घर तक पानी ही पानी लगा देंगे, बाकी देखते हैं आगे क्या बनेगा। फिलहाल के लिए तो भाई इस ब्लेजर को हमारे घर तक लेकर जाना है, तो भाई साहब सीरियसली इसको लेकर आने में मेरी जो हालत ख़राब हुई है ना, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को भाई, कम से कम मेरे को 5 घंटे हो गए, मेरे को लगा था ये इजी रहेगी गेम, लेकिन भाई 5 घंटे से इसको लेकर आने की ट्राई कर रहा हूँ। तीसरा विलेजर है, अगर जे मर गया भाई तो मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद नहीं लेकर आऊँगा, एक भी विलेजर अभी घर पे नहीं लेकर आएंगे, तो बाद में सोचेंगे, अभी प्लान कैंसिल कर देंगे। ओके गाइस जे, अरे आ नहीं रहा यार, जे ऊपर रस्सी टूट गई यार, क्या दिक्कत है भाई तेरे को, इसको दोबारा देखें ट्राई करके। ओके अबे यार इसको दोबारा ऊपर से ट्राई करते हैं, नहीं नहीं आ रहा गाइस, ये नहीं आ रहा। ओके इसका कैसे आएगा ये, क्या करें? ओके पहले तो ये लेड उठा लेते हैं अपनी रस्सी, और इसको लाने के लिए क्या करें भाई, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा? अबे नूबड़े आना, रस्सी टूट गई फिर से। ओके एक काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इसकी बोट तोड़ के इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा और दोबारा बिठाना पड़ेगा। ओके डन, यही करने वाला हूँ अभी मैं, और चल भाई ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल नूबड़े, चल गया। ओके डन, ये ऊपर हो चुका है, अभी इसको दोबारा बोट पे बिठाएंगे, लेकिन मेरा जो फुल हो चुकी है इन्वेंटरी। ओके इसको गिरा दिया पंख को, अब लगाते हैं दोबारा से बोट, और इसको बोट पे बिठा देंगे, ठीक है, तब फिर जाके भाई इसको ऊपर लेकर चलेंगे। अबे भाई पानी में क्या करने जा रहा है नूबड़े, इतनी मेहनत से इतनी दूर लेकर आए हो जहाँ पे डूब के, अरे डूब के मर जाएगा नूब कहीं के, हट बे, मारूंगा तेरे को मैं, मार भी डालूंगा, सच में मार डालूंगा अगर दिमाग खराब हुआ। चल वहाँ पे चल, हट नूबड़ा कहीं का, चल 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 चल। ओके फाइनली ये चढ़ गया भाई ऊपर, अब जहाँ पे इसको हिलाते नहीं है जहाँ से जल्दी, कि हमको देखता रहेगा भाई, देखता रहे कोई दिक्कत नहीं, हम काम कर रहे हैं, तेरे को लेकर जाएंगे नए घर पे, लेके जाएंगे अच्छे वाले घर पे लेके जाएंगे, वो तेरा छोटा वाला था, हम बड़ा कमरा देंगे तेरे को, चल स्पेशल देंगे, और उसके बाद तेरे लिए एक और बंदा लेकर आएंगे, ठीक है भाई। बस हमको 2 विलेजर चाहिए हमारे घर पे, उसके बाद हम इनसे ब्रीडिंग करा लेंगे, और ब्रीडिंग कराने के बाद एक बच्चे को जन्म देंगे, उसके बाद 3 हो जाएंगे, 3 के बाद फिर और को करेंगे, ऐसी आबादी हम बढ़ा देंगे। ओके अब भाई ये ऊपर आना स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी, और इसको ऊपर लाते लाते गाइस मैं पहुंच गया बिल्कुल लगभग पास में, और ये गधा, गधा है पता नहीं घोड़ा है भाई, कब से बैठा हुआ है नीचे से, ये नूबड़ा उतर नहीं रहा भाई बताओ, और मैंने भी इसको उतारने की ट्राई नहीं की, क्योंकि भाई अगर एक आध विलेजर के लग गया तो भाई विलेजर की कहानी ख़त्म, तो जहाँ पे हो जाएगा कांड भाई, ये मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बस इसके साथ साथ ही इसको लेकर आ रहा हूँ अभी। ओके फाइनली इसको मैं लीश कर रहा था, और भाई मतलब रस्सी मैं बोट पे लगा रहा था, लेकिन इसके लग गई, और ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, अनलिश करते हैं इसको, उसके बाद अब दोबारा से इसको पहनाते हैं। चल भाई तेरे को लेकर चलते हैं घर पे, पहले तो भाई बेड रख के सो जाते हैं, नहीं जॉम्बी आया ना तो जॉम्बी ने भाई वाट लगा देनी है पूरी, अगर एक भी क्रीपर फटा ना मुंह पे आके, सीरियसली बोलना ब्लेजर भी मरेगा मैं भी मरूंगा, मैं मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, लेकर ब्लेजर मर गया ना भाई, ओ भाई 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 दिमाग हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा मेरा,
मैं बता नहीं सकता अभी। फिलहाल के लिए जहाँ से निकलते हैं गाइस, मेरे को टाइम लग गया था, अब मैं आपको सीधा आगे ही मिलता हूँ। ये हो गया ऊपर, अब थोड़ा ही दूर है बस, हम ऊपर पहुँच गए और घसीटते घसीटते इसको ले आया मैं घर पे। भाई साहब जितनी मेहनत इसको लाने में लगी ना, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, सीरियसली बोल रहा हूँ। 5 घंटे हो चुके हैं मेरे को माइनक्राफ्ट खेलते हुए टोटल, और भाई वीडियो एडिट अलग से और भाई वॉइस ओवर अलग से। भाई साहब वही यार, दिमाग ख़राब हो गया ब्लेजर को घर पे लाने के लिए। एक और लाना है गाइस, उसको मैं ऑफ स्क्रीन लेकर आऊँगा, हो सके तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि भाई आपको खुद पता है इसको ही बनाने में कितना टाइम लग गया। अगर एक ब्लेजर और ऐड कर देता कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो हो जाती, और 1.5 घंटे की मेरे हिसाब से आप देखोगे या नहीं मेरे को नहीं पता, बाकी मेरे को बता देना। 30 मिनट की रखूँ वीडियो या इतनी बढ़िया चल जाएगी, मतलब 50-50 मिनट की आपको वीडियो चल जाएगी, मेरे को बता देना ठीक है। फिलहाल के लिए इसको भाई अभी अंदर करते हैं, थोड़ा सा अंदर करने के बाद इसको बिठाते हैं जहाँ पे बेड लगाते हैं, और इसके लिए एक जॉब का बंदोबस्त करते हैं, मतलब इसको कौन से काम पे रखेंगे। जिस काम पे इसको रखेंगे ना, तो अगर हाँ इसको अगर हम काम नहीं देंगे तो ये जहाँ पर मर जाएगा, मतलब ऐसे अगर नल्ला ही घूमता रहेगा तो नल्लों का भाई यही हाल होता है, इसलिए काम वाम कर लिया करो कोई पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो। ओके इसके लिए अब बनाएं तो बनाएं क्या, अभी देखते हैं भाई क्राफ्टिंग टेबल पे हम इसके लिए क्या क्या बना सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ओके ये पढ़ी है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ये कार्टोग्राफिक टेबल, ओके ये बना सकते हैं मेरे हिसाब से हम, क्योंकि इसके लिए हमको भाई एक पेपर चाहिए होगा, दो पेपर चाहिए होंगे, उस पर से हमको चाहिए होगी वुडन प्लैंक्स। ठीक है सबसे पहले तो हम ये 3 बना लेते हैं, शुगर केन से बनते हैं भाई ये 3 पेपर बन चुके हैं। ओके डन, अब हमको चाहिए भाई वुडन प्लैंक हमारे कहाँ हैं, इतने तो थे हमारे पास यार। ओके हमारे पास भाई पड़े हैं, चलो इससे बना लेते हैं। ओके बन चुका है, अब बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। और यार भाई चेस्ट फुल हो गई मेरी, इन्वेंट्री सॉरी, अब चेस्ट में भर देते हैं सभी सामान। चलो अब हो चुका है डन सब कुछ, अब बनाते हैं दोबारा कार्टोग्राफी टेबल, बन गया। अब चलते हैं नीचे, उसको देते हैं जॉब, पता नहीं क्या होता है इससे, लेकिन इसको सबसे आसानी से बन रहा था तो मैंने बना डाला यार, अब क्या ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इजी कोई और चीज़ नहीं थी, इसलिए भाई मैंने ये बनाया। बाकी उसको शायद मिल चुकी है ऑलरेडी जॉब, नहीं अभी तो ये थोड़ा गुस्से वाला सीन आ रहा था इस पर, उसने छोड़ दी, दोबारा देखते हैं। ओके फाइनली बन चुका है काम हमारा, ओके ये काम मिल गया इसको गाइस, अब ये नहीं मरेगा ठीक है, होपफुली ना मरे जब तक दूसरा विलेजर आके इसकी ब्रीडिंग ना करवा दूँ, तो बाकी देखते हैं गाइस। जहाँ पे ब्रेड वगैरह गिराते रहेंगे, ब्रेड काफ़ी ज़्यादा बना के इनकी आबादी इंक्रीज़ कर दूँगा मैं पूरी। ओके फाइनली चलो डन, अब चलते हैं भाई ऊपर। ओ भाई साहब चलो हमारे दोनों गोल कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर 1 हमारा फार्म बन चुका है, नंबर 2 हम विलेजर को घर पे ले आए, और दूसरा विलेजर मैं ऑफलाइन ले आऊँगा गाइस, ऐसे ही मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। उसके बाद अगला एपिसोड हम देखेंगे शायद से नेदर वर्ल्ड में जाएं, ठीक है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, बस ये रहा हमारा नया विलेजर, मतलब नया मेंबर घर में, इसका नाम रखेंगे कुछ अलग से भाई, नेम टैग मिल गया तो इसको नेम टैग लगा के इसका नाम रख देंगे, लेकिन अभी मिला नहीं है कहीं से, देखते हैं बाकी ट्राई करेंगे। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और हो सके तो मेरे को ये भी बताना कितने मिनट की मैं ये वीडियो रखूं, अगर आपने फुल देखी है तो वो भी मेरे को बता देना कि हाँ मैंने फुल वीडियो देखी है, आपने बोला था कि मेरे को कमेंट में बताओ तो मैं अभी बता रहा हूं। तो आशा करता हूं आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।